हेलो फ्रेंड, टुडे वी डिस्कस ऑन न्यू टॉपिक दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? फर्स्ट हम समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। देखो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, सबसे पहले आप समझोगे ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। व्हाट मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? देखो तो डीएनए का तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, जो डीएनए के अंदर एक पर्टिकुलर जीन रहेगा वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? और उस प्रोसेस को कहते हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन। यानी डीएनए का जो सीक्वेंस आरएनए में कन्वर्ट होता है, डीएनए से आरएनए बनना, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, राइट? तो इसमें लिखेंगे डीएनए सिंथेसिस आरएनए, डीएनए सिंथेसिस आरएनए, इस प्रोसेस क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ये जो सिंथेसिस होती है, ये किसी एंटायर डीएनए की नहीं होगी, कभी पूरा डीएनए कभी सिंथेसिस नहीं होगा। कुछ जीन का सीक्वेंस, जैसे वन जीन हो गया, टू जीन हो गया, थ्री जीन हो गया, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर जीन होंगे, वहां पे क्या करेंगे, पर्टिकुलर आरएनए वहां पे बनाएंगे, राइट? तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, इसके लिए आप समझिएगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। मान लीजिए ये डीएनए है और जस्ट इमेजिन करिए कि ये एंड थ्री प्राइम और ये एंड फाइव प्राइम, ये एंड डीएनए फाइव प्राइम और ये एंड थ्री प्राइम, राइट? तो ये थ्री टू फाइव और ये सॉरी फाइव टू थ्री एंड, राइट? यानी अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब था फाइव प्राइम और डाउनस्ट्रीम का मतलब थ्री प्राइम, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एरर रहेगी। देखो जो एन थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम के बीच में होता है, यानी अगर एक डायरेक्शन ले लिए तो जो एंड थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम के बीच में होगा, उस सीक्वेंस को बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोलते हैं इसको? टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं, स्टैंड कहते हैं। और जो स्टैंड फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम के बीच में होगा, उसे हम कहते हैं कोडिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं इसको? कोडिंग स्टैंड बोलते हैं, राइट? तो ये कोडिंग स्टैंड होता है। यहां पे इस सीक्वेंस पे आपको, यानी इस सीक्वेंस पे आपको यहां पे आपको दिखाई देगा प्रमोटर। क्या दिखाई देगा आपको? तो दिस इज द प्रमोटर, ये प्रमोटर रहेगा, प्रमोटर। देखो जो प्रमोटर होता है वो कोडिंग स्टैंड के फाइव प्राइम एंड की तरफ अटैच होता है। कहां होता है? कोडिंग स्टैंड के फाइव प्राइम एंड की तरफ अटैच मिलेगा, और टेम्पलेट स्टैंड के वो थ्री प्राइम एंड की तरफ अटैच मिलेगा, राइट? याद रखना क्या होता है, कोडिंग स्टैंड के प्रमोटर जो होता है फाइव प्राइम एंड की तरफ अटैच मिलता है, और टेम्पलेट स्टैंड के वो थ्री प्राइम एंड की तरफ अटैच मिलता है। अब किस साइड को प्रमोटर बोलेंगे, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक और सीक्वेंस आई थी, इसके बारे में बताऊंगा डिटेल से। देखो इस साइड को, इस साइड को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? कहते हैं टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनेटर बोलते हैं, टर्मिनेटर। वो जो टर्मिनेटर साइट होती है, टर्मिनेटर वो साइट होती है जहां से आरएनए बनना बंद हो जाता है, जहां से आरएनए होता है वो बनना बंद हो जाएगा, उस साइट को क्या बोलते हैं? उस साइट को कहते हैं टर्मिनेटर साइट। और जो पोर्शन, यानी यहां से लेके यहां तक, ये पोर्शन ऐसा है जो क्या बनाएगा? आरएनए के लिए कोड होगा। यहां से लेके यहां तक ये पोर्शन ऐसा रहेगा जो क्या बनाएगा? आरएनए के लिए सिंथेसिस करेगा। तो जो साइट है, इस साइट की सेम अप्लाई होगी, ये साइट यहां पे अप्लाई होगी। तो ये जो सीक्वेंस होता है जहां से आरएनए निकलेगा इस सीक्वेंस के बीच में, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? उस सीक्वेंस को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। तो जो पर्टिकुलर आरएनए बनेगा उस सीक्वेंस क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन तो टेम्पलेट स्टैंड में होता है, टेम्पलेट स्टैंड भी होता है और कोडिंग स्टैंड पे दोनों मिलता है, क्योंकि इसके बीच में कोडिंग भी है और इसके बीच में ये टेम्पलेट भी है।
लेकिन टेम्पलेट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि टेम्पलेट के अपोजिट आरएनए बनता है और कोडिंग के सेम आरएनए बनेगा। यानी अगर इसके पास यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे एडेनिन बनेगी, तो मैं आरएनए के पास यहाँ पे क्या मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा। तो इसके अपोजिट बनता है आरएनए, किसके अपोजिट बनता है, स्ट्रक्चरल जीन के अपोजिट बनता है और कोडिंग स्ट्रैंड के बिल्कुल सिमिलर बनता है। थायमिन की जगह बस यूरेसिल रिप्लेस होता है, बाकी सारा सेम रहता है कोडिंग स्ट्रैंड के। अब देखिए किस साइट को प्रमोटर बोलेंगे, कोई भी एरिया जो थायमिन एडेनिन कोई भी एरिया जो थायमिन और एडेनिन रिच होगा उस एरिया को जर्नलीन क्या कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं प्रमोटर। और इसी वजह से प्रमोटर को टाटा बॉक्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं प्रमोटर को, टाटा बॉक्स। इसी वजह से प्रमोटर क्या कहते हैं, TATA, टाटा बॉक्स भी इसको कहा जाता है इसी वजह से, राइट, प्रमोटर को। तो थायमिन और एडेनिन रिच जो एरिया मिलेगा उसी साइट से आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज ये अपना फंक्शन यहां पे करना स्टार्ट कर देगा जिस साइट पे थायमिन एडेनिन रिच कंटेंट होगा, राइट, और इसी कारण से कहते हैं टाटा बॉक्स। तो जहां भी ये साइट होगी उससे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं साइट को, उस साइट पे कौन अटैच होता है, आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है। और उस साइट क्या बोलते हैं, उस साइट को बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर वो साइट होती है जिसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज होता अटैच होता है और सिंथेसिस करवाता है। और यहां पे जैसे मेरे डिसिप्ट है, अब टाटा बॉक्स होता जर्नली, टाटा बॉक्स होगा जर्नली, जो टाटा बॉक्स होता है जो प्रमोटर होता है जिसे टाटा बॉक्स कहते हैं, प्रमोटर जो होता है ये टाटा बॉक्स जर्नली, ये जर्नली -10 to -35 एक सीक्वेंस होता है यहां पे, प्राइम होती है सीक्वेंस, ये इसके अंदर बेस पेयर का सीक्वेंस माना जाता है और उस सीक्वेंस को कहते हैं -10 to -35 सीक्वेंस कहा जाता है। ये जनरली -10 और -35 सीक्वेंस के बीच में प्रेजेंट होगा ऑन टाटा बॉक्स। और यानी इसके बीच में कुछ इतने बेस पेयर रहेंगे, 10 to 35 के बीच में आप कैलकुलेट कर सकते हो, नियरली 25 बेस पेयर का ग्रुप रहेगा। तो जिसमें से थायमिन और एडेनिन रिच कंटेंट मिलेगा तो उस बॉक्स को क्या कहते हैं, उस बॉक्स को कहते हैं यहाँ पे प्रमोटर। क्या बोलेंगे उसको, प्रमोटर कहते हैं, राइट। अब टर्मिनेटर क्या होता है, देखो टर्मिनेटर हर जगह अलग अलग हो सकते हैं। यूकैरियोटिक में टर्मिनेटर अलग होता है और प्रोकैरियोटिक में अलग अलग होते हैं, लेकिन टर्मिनेटर वो साइट होती है जहां पे जाके आरएनए सिंथेसिस होना बंद हो जाता है। यानी आरएनए जहां पे बनना बंद हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज उससे आगे स्लाइड नहीं हो सकता, आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ यहां तक आएगा, इससे आगे नहीं जा सकता। तो ये साइट जहां पे आरएनए आके इससे आगे बंद हो जाएगा तो वो साइट होती है टर्मिनेटर कहलाती है। टर्मिनेटर जो होती है कई तरह की अलग अलग टाइप की प्रोटीन होती है। अगर प्रोकैरियोटिक में देखिए, प्रोकैरियोटिक में वो जनरली रो प्रोटीन आती है, एक प्रोटीन आती है इसका अंदर रो, RH रो प्रोटीन, राइट। रो भी दो तरह की होती है, एक होती है यहाँ पे डिपेंडेंट, एक होती है इंडिपेंडेंट, एक होती है डिपेंडेंट, एक होती है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक में अंदर डिस्कस करूंगा आपको इसके बारे में। लेकिन यहां पे जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि रो प्रोटीन वो साइट होती है, रो वो प्रोटीन होती है जो यहां से आरएनए पॉलीमरेज को स्टॉप कर देगी, यानी आरएनए पॉलीमरेज को क्या कर देगी, हटा देगी, यहां से टर्मिनेट कर देगी। तो रो प्रोटीन यहां पे क्या हुई, रो प्रोटीन एक टर्मिनेटर कहलाएगी, राइट। तो ऐसे ही जहां पे साइटोसिन और ग्वानिन रिच कंटेंट होता है, साइटोसिन और ग्वानिन रिच कंटेंट जो होगा, साइटोसिन और ग्वानिन रिच कंटेंट को हम क्या कहते हैं, उस कंटेंट को भी हमें टर्मिनेटर रीजन बोलते हैं। तो जिस रीजन में साइटोसिन और ग्वानिन काफी ज्यादा प्रेजेंट होंगे वो साइट क्या कहते हैं, उस साइट को बोलते हैं टर्मिनेटर साइट, राइट। तो ये उस साइट को टर्मिनेटर में जिस साइट से आरएनए बनना बंद हो जाता है, और स्ट्रक्चर जीन वो साइट है जिससे आरएनए निकलता है। स्ट्रक्चर जीन कोडिंग भी होती है, टेम्पलेट के बीच में होती है, दोनों साइट आते हैं इसको। कोडिंग स्ट्रैंड के सेम आरएनए बनेगा और टेम्पलेट के बिल्कुल अपोजिट बनेगा।
आरएनए पॉलीमरेज तो स्लाइड करता है, आरएनए पॉलीमरेज किसके ऊपर काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज काम करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, राइट। और टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जब काम करेगा तो वो यहां पे जो आरएनए बनाएगा वो बनाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, आरएनए बनाएगा कौन सा बनाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए बनाएगा। तो ये होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इसे क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, राइट। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है जो जनरली ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग होती है। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे प्रमोटर साइट क्या होती है, तो प्रमोटर वो साइट होती है जहां पे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो, उसे कहते हैं प्रमोटर। प्रमोटर जनरली क्या होता है टाटा बॉक्स होता है। अब टर्मिनेटर साइट कौन सी, टर्मिनेटर साइट वो होती है जहां पे आरएनए बनना बंद हो जाता है, उसे कहते हैं टर्मिनेटर साइट। अब स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा, स्ट्रक्चरल यूनिट वो साइट होती है जहां पे क्या बोलते हैं जहां पे आरएनए सिंथेसिस होता है, उस साइट को कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट, जो आरएनए के लिए कोड होती है। और टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जिसके अपोजिट आरएनए बनता है, कोडिंग स्ट्रैंड वो होता है जिसके सेम आरएनए बनता है। आरएनए पॉलीमरेज कहां स्लाइड करता है ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड, और नए आरएनए की पोलरिटी क्या होती है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट। So that's about the transcription unit. That's it.